हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाय हो, आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो लेके आइए बस एक नया वीडियो, तो चलते हैं गाइस, आज हम बताने जा रहे हैं एकदम सिंपल तरीके का ढोकला। जो सारे सामान हमारे घर में ही है, कुछ भी नहीं लाना है हमें। तो हम देखते हैं क्या सामान चाहिए हमें। ये कुछ हरी मिर्ची हैं, ये मीठी नीम की पत्तियां हैं, ये कटोरी बेसन है और नमक, और हमारे पास है ये ईनो। बस हम इसे बनाने वाले हैं। पहले हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। ये हमने कढ़ाई चढ़ाई है। अगर आपके पास ओवन हो इडली का तो आप उसमें ही बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको कढ़ाई में बताऊंगी क्योंकि हर किसी के घर में नहीं होता है। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 गिलास के करीब पानी, 2 या 1.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे। तो इसमें पानी रख दिया है और ये स्टैंड है तो इसके अंदर मैं इसे रख दूंगी। तब तक हम बनाएंगे, तब तक इसमें स्टीम आएगी। तो इसको ढक के रख देते हैं। ये कटोरा बेसन है, इसे हम बड़े वाले बॉल में ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे, इसमें ना बेसन में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपन जब घोलते हैं ना तो थोड़ी ये परेशान करते हैं। तो इसमें डालेंगे हम नमक। नमक बेसन में कम ही रखना चाहिए क्योंकि बेसन के अंदर जाके नमक हल्का सा चटकता है। बाकी का स्वाद जैसा आप जैसा खाना चाहें वैसा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी की मात्रा एकदम हल्की हल्की रखनी है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पतला हो जाता है। इसको ना हमें एक ही राउंड में घुमाना है। जिस राउंड से जैसे मैं इस तरह घुमा रही हूँ तो आपको इसी तरह घुमाना। अगर मैंने इस तरह घुमाया ना तो आपको इस तरह घुमाना, जिस तरह आपको ईजी पड़ता है ना, लेकिन राउंड एक ही होना चाहिए। आधी से आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा ऑयल, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। को फिर से चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत से लोग मीठा नहीं खाते और ढोकला तो हल्का मीठा ही अच्छा लगता है क्योंकि गुजराती डिश है ये। इसको हमें खूब फेंटना है बहुत देर तक। आज मैं इसमें बनाने वाली हूँ तो इसको पहले हम ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह। चारों तरफ इसमें ऑयल लगा लेते हैं और ज़रा अच्छे से लगाना है क्योंकि चिपकेगा नहीं। तो इसको हम पूरी पाउच के इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा पानी डालेंगे इसके ऊपर, एकदम हल्का सा। वो तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, जैसे ही मिला के पलट देंगे। तो ये इसके अंदर फटाफट डाल देंगे। इस तरह टैप कर लेते हैं। अगर इसमें कोई बबल्स भी रह गए होंगे ना तो इस तरह हमारे अंदर बैठ जाएंगे। बस इसको 1 सेकंड के लिए टैप करना बहुत ज़रूरी है। अब हम पानी की तरफ जाते हैं तो पानी की क्या पोजीशन है? पानी हमारा हो गया है और हम इसको इसके अंदर रखेंगे। पानी की बिल्कुल इसमें ना हाफ नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। तो मैंने ढक दिया। अब इसे गैस हमें थोड़ी देर के लिए तो हल्की हाई करनी है इसकी फ्लेम, बाकी बाद हमें कम करना है। चेक करते हैं क्या पोजीशन है हमारे ढोकले की। वाओ, बहुत मस्त फूला है। अब इसको एक नाइफ की मदद से हल्का सा टच करते हैं तो हाल फिलहाल तो हल्का सा क्लीन आया है लेकिन अंदर थोड़ा सा कच्चा है। तो हम इसे फिर से ढकें, इसके ऊपर छोंक डालने का सामान देख लेते हैं। ये वाइट कलर का तेल है, इसको तिली बोलते हैं, और ये राई है, मस्टर्ड सीड, सरसों के बड़े दाने और कुछ मिर्चियाँ मैंने इस तरह काट के रखी हैं, 2 नींबू हैं और मीठी नींब की पत्ती है। तो हम चेक करते हैं, नाइफ को डाल के नाइफ को एकदम साफ कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, एकदम क्लीन आया है, बिल्कुल भी बेसन नहीं है, यानी हमारा ये पक चुका है। तो हम इसे निकाल देते हैं। इसको सड़ासी की मदद से इस तरह हम निकाल देते हैं। इसको अब हम हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है।
गाइस अब हम कर लेते हैं इसमें छौंक की तैयारी। तो मैंने ये रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे राई। राई चटकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो तिल लिए थे ना, वो तिल डालेंगे। तब तक हम नींबू का रस निकाल लेते हैं साइड में, ये हो रहा है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे मीठी नीम की पत्तियाँ, काट के रखी थी। कलिया दो नींबू के रस हैं, इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालना है खाने वाले 4-5 चम्मच के बराबर। अब इसे हम पानी को इसके अंदर डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्का सा। और ये हमारा तब तक पानी हो रहा है, फिर जब ये इसकी पोजीशन देख लेते हैं क्या है इसके। ये ठंडा हो गया है, अब इसके साइड से इस तरह हमें नाइफ की मदद से इसको हटाने की कोशिश करेंगे। इस तरह प्लेट रख दूंगी मैं इसके ऊपर और इसे इस दूसरी इसमें ले लेंगे इसको। वाह कितना प्यारा निकला है, एकदम स्पॉन्जी है, बहुत ही इसमें जाली पड़ी है। अब इसके ऊपर इसके अंदर ना कुछ थोड़ा इस तरह होल करना है, ऐसे ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर हम जो छौंक डालेंगे ना तो उसका पानी है ना इसके अंदर एकदम एब्जॉर्ब कर लेगा। सारे में लगाना है हल्के हल्के करके, एकदम अंदर तक नाइफ जानी चाहिए। तो ये तैयार हो गया, इसको हम डाल देते हैं। इस तरह डालना है कि ये सब में एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और मिनटों में बनता है। ये मैंने एक पीस काट लिया है इसमें से। तो ये देखिए हमारा ढोकला दिख रहा है ना, कितना स्पॉन्जी बना है। देखो ये हाथ लगाने से ही बिखर रहा है। तो गाइस ये बहुत स्वादिष्ट बनता है और मिनटों में बनता है। आई होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना और मेरे चैनल सीमांश कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ताकि मेरे वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आए। टेक केयर।